चमत्कार चष्टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक पास्टर इंग्लैंड देश के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब उसका खुद का एक मरीज मर गया। पास्टर इंग्लैंड देश के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसका मरीज मर गया। पूरी बात मेरी समझिएगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज था, उस मरीज के लिए बीमार था, मतलब मरीज मतलब बीमार था, उस बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए एक पास्टर को बुलाया गया कि इसके लिए प्रार्थना करो कि ये बच जाए। तब वो पास्टर गया हॉस्पिटल में और प्रार्थना करने लगा। कैसे प्रार्थना कर रहा था मैं आपको बताता हूं। प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर जी, हमारे भारत पे दया करो, हे परमेश्वर जी, अमेरिका देश पे दया करो, हे परमेश्वर जी, इंग्लैंड पे दया करो, हे परमेश्वर जी, चीन पे दया करो, हे परमेश्वर जी, बेल्जियम देश पे दया करो। सारे देशों के लिए वो प्रार्थना कर रहा। करते करते फिर आ गया, हे परमेश्वर जी, इस शहर पर दया करो। और फिर आया, हे परमेश्वर जी, इस बीमार पर दया करो, इसकी बीमारी दूर करो और इसे चंगा करो। पहले सबके लिए प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी अमेरिका वालों पे दया करो, कोई बीमार है वो चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु जी ने छुटकारा दो, प्रभु यीशु जी उनकी सहायता करो, जो इंग्लैंड में बीमार हैं प्रभु यीशु जी उन पर दया करो, उन्हें बीमारी से बाहर निकालो, दुष्ट आत्मा से बाहर निकालो, प्रभु यीशु जी उन पर दया करो, उन्हें ब्लेस करो, आशीष करो, प्रभु यीशु मसीह जी जो ऑस्ट्रेलिया में हैं उन पर दया करो, उनकी बीमारी दुख पीड़ा दूर करो, प्रभु यीशु मसीह जी जो भारत देश में लोग हैं उन पर दया करो, उनकी दुख पीड़ा उनकी बीमारियों से उन्हें बचाओ, उनकी रक्षा करो, और हमारे इस राज्य की दया करो, हमारी स्टेट पर दया करो परमेश्वर पिता, और इस शहर पर दया करो मेरे प्रभु जी। और फिर प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, इस भाई पर दया करो जो बीमार है, प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से वो चंगा हो जाए। उसने आंखें तो बंद कर रखी थी और बाद में उसने जब आमीन कहा तो वो क्या हुआ, वो जो बीमार था वो मर गया। तब उसने पूछा, अरे जो साथ थे घर वाले उनके, अरे ये कब मर गया? तो घर वालों ने कहा, जब आप इंग्लैंड के लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मर गया, जब आप इंग्लैंड गए थे। यानी कि उस बीमार के लिए सीधी प्रार्थना, टू द पॉइंट प्रार्थना। आज जो मैं आपके कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना जब आप करो तो विशेष जिस काम के लिए आप कर रहे हो जल्दी से उस बात के लिए प्रार्थना कर दो। उसको हॉस्पिटल में बुलाया गया उस बीमार के लिए, तो चाहिए यह था कि प्रार्थना करनी। बीमार के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो, शुरुआत जो मर्जी करो, आखिरी जो मर्जी करो। मैं दो लाइनें आपको बता देता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी इस बीमार पर दया करो, और दूसरी बात, ऐ बीमारी पर यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं शरीर को छोड़ दे। दो बातें, ऐ बीमारी पर यीशु के नाम से इसको छोड़ और निकल, एक बात, और दूसरी, हे प्रभु यीशु मसीह जी इस पर दया करो और इसको चंगा कर दो। ये दो लाइनें आपको जरूर बोलनी है। शुरुआत जैसे करते हैं आखिर कैसे करते हैं मुझे कोई नहीं है, ये जरूर कहो। आप पहले कह दो, प्रभु यीशु जी इस पर दया करो और इस बीमारी से इसे चंगाई दो, या बाद में कह दो कि बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले, तुझे आज्ञा देता हूँ। तो आपको आज्ञा देनी है बीमारी को निकलने के लिए भी, और आपको ये भी प्रार्थना करनी कि प्रभु यीशु जी इस पर दया करो। हर एक काम के लिए, किसी भी बात के लिए आप प्रार्थना करते हो तो उस समय आपको सिर्फ उस बीमार के लिए प्रार्थना करनी है, ना कि आप अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, भारत के लिए। फ्री टाइम में आप सबके लिए करो प्रार्थना, पूरी दुनिया के लिए करो प्रार्थना, लेकिन उस समय तो उसकी जान बचानी है, उसके लिए अपने प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से चंगा हो जाए। तो आप जब 5-7 मिनट 10 मिनट इधर उधर की प्रार्थना करते रहेंगे, और उसके लिए तो आपने एक भी नहीं शब्द कहा। पहले उसको चंगा करो, उसके लिए प्रार्थना करो। तो आप जो हैं
पास्टर की बात नहीं कर रहा, कलीसिया की बात कर रहा हूँ। पास्टर लोग तो समझते हैं इन बातों को। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कलीसिया के लोग भी, जो भी किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो जिस मकसद के लिए आपको प्रार्थना करनी, पहले उसको करें, फिर उसके बाद जो भी आपने प्रार्थना करनी है। क्या? और खाना खाने के समय में भी कई लोग प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करो जी खाना खाने के लिए। तो खास करके जो अगर कोई बाहर से आया हुआ हो तो उसको कहते हैं भी आप प्रार्थना करो खाना खाने पर। तो वो क्या करता है, प्रार्थना, परमेश्वर धन्यवाद आपने मेरी आने में मदद की, जाने में भी आप मदद करना, और जो प्रोग्राम के लिए हम उसको सफल देना। परमेश्वर जी आपका धन्यवाद, आप सब पर दया करो, सारी दुनिया को संभालो, और ये करना परमेश्वर जी, वो करना परमेश्वर जी, मैं आपसे प्रेम करूं परमेश्वर जी, मैं आप में विश्वास में बढ़ा रहूं परमेश्वर जी, आप विश्वास में बढ़ाएं और आशीष करें। पता नहीं कितनी कहां कहां की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उस समय क्या करनी है आपको प्रार्थना, उस समय आप खाने के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो खाने के लिए प्रार्थना के लिए मैं दो बातें आपको बताता हूं। एक तो जब आप खाने के लिए प्रार्थना करें तो आप ये कहें कि हे परमेश्वर इस खाने को शुद्ध करें, इस खाने से हमें लाभ हो हानि ना हो। खाने को परमेश्वर मसीह जी शुद्ध करें, याद रखिए मैं पहली जो बात आपसे कह रहा हूं, खाने को शुद्ध करें। आप शुरू में आखिर में जैसे ही प्रार्थना करें ठीक है, मैं एक लाइन की आपको बता रहा हूं। दूसरा, खाने के लिए जब लोग प्रार्थना करते हैं तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, करनी चाहिए, मैं आपको अंतर बताऊंगा, परमेश्वर मसीह जी इस खाने में अपना लहू मसा करें। सो परमेश्वर के लोगों, एक बात यह कहनी कि परमेश्वर मसीह जी अपना पवित्र लहू इस खाने में मसा करें, और एक परमेश्वर जी से खाने को शुद्ध करें, बहुत अंतर है। आप हर बार लहू मसा नहीं कर सकते, हर बार आप शुद्ध कह सकते हैं प्रभु जी इस खाने को शुद्ध करें, इसको खाएं, लाभ हो हानि ना हो, जो भी आप आगे पीछे प्रार्थना करें करें। जैसे आपको आपके पास चाय का कप है, आपने प्रार्थना कर दी परमेश्वर मसीह जी इसमें अपना लहू मसा करें, ठीक है, अब वो क्या बन गया, पवित्र लहू, लहू का अभिषेक उसके अंदर आ गया। आपने क्या किया, आधी चाय पी ली, आधी गिरा दी, ढोल दी, क्योंकि आपका मन नहीं था, आधी छोड़ दी बीच में, तो आपने वो पवित्र लहू का जो अनादर किया। पानी का ग्लास भरा हुआ आपके पास, आपको प्यास लगी, आपने कहा परमेश्वर से मैं लहू मसा करें, तो आधा ग्लास आपने पिया, बाकी ऐसे छोड़ दिया। तो इस समय में आपको ये प्रार्थना नहीं करनी कि परमेश्वर जी अपना लहू इसमें मसा करें, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप इसको पूरा खाएंगे तो आप उसमें पवित्र लहू मसा करें। आपको मालूम है कि आपने पूरी चाय पीनी है, ठीक है, उसमें कहें परमेश्वर जी अपना पवित्र लहू मसा करें, अपना पवित्र लहू का अभिषेक इसमें करें, अपना पवित्र लहू इसमें मसा कर दें, तो आप पिए बहुत अच्छा है। आपको मालूम है पानी उतना लें, आधा ग्लास थोड़ा, इतना जितना भी आप पी सकें, उसमें कहें परमेश्वर जी अपना पवित्र लहू इसमें मसा करें, और इसके बाद पिए बहुत अच्छा है, इससे बड़ी और कुछ है नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको चीज़ को छोड़ देना बीच में, पूरा नहीं खाना, रोटी पूरी नहीं खानी, सब्जी है पूरी नहीं खानी, कोई भी वस्तु है जो आपने पूरा नहीं खानी, फेंकनी है बाद में, जो फेंकनी है उसके ऊपर ये कहें परमेश्वर जी इस भोजन को शुद्ध करें, इसे ब्लेस करें, आशीष करें, ये लाभ हो हानि ना हो, ठीक है, उसे खाएं, जो भी आप आगे पीछे प्रार्थना करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि इसमें आप लहू मसा करें और बाद में फेंक दें, ठीक है। तो और खाने के लिए जब प्रार्थना करते हैं, टू दी पॉइंट प्रार्थना करें, पिता इस भोजन के लिए आपका धन्यवाद, इसे शुद्ध करें, पवित्र करें, जो भी। और ये नहीं कि परमेश्वर जी आपने मुझे पापों से निकाला, मैं तो अंधेरे में था, आपने निकाला और मुझे चुना, मुझे ठहराया, और आप पूरी हिस्ट्री आप उस समय आप बता दें, आपने तो ऐसे लोगों को बचाया, ऐसा किया, ये किया, परमेश्वर जी ऐसा किया, नहीं, उस समय आप खाने के लिए प्रार्थना करें, टू द पॉइंट प्रार्थना। अब कई बार बाहर जाना होता है गाड़ी पे, तो गाड़ी बाहर रोड पर होती है,
तो प्रार्थना करनी होती है सफ़र के लिए, चलने के लिए। तो कई बार कोई साथ वाले होते हैं, उनको कहते हैं प्रार्थना करें। हमारे लोगों के प्रभु की दया है, सीखे हुए हैं, तो उसे कहते हैं सफ़र के लिए चलो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर जी, हम जहाँ भी जा रहे हैं दो बातें, हमारी रक्षा करना, ठीक है, हमारी आने जाने में रक्षा करना, पहली बात। दूसरी बात ये प्रार्थना करते हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ आशीष हो, किसी घर जा रहे हैं वहाँ बंदगी पे आशीष हो। शॉर्ट में, हे परमेश्वर जी, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हम लोग, उसमें हमें सफलता दें। अगर आप लंबी प्रार्थना करनी शुरू कर दी, पीछे जाम लग जाएगा, लोग हॉर्न बजाने शुरू कर देंगे भी, परमेश्वर जी आपने तो, मैं पापी था, आपने मुझे चुना, आपने मुझे बचाया, मेरे पापों को क्षमा किया, आप मुझे पवित्र आत्मा दिया, आप मेरा उद्धार किया, आपने मेरा नाम जीवन पुस्तक में लिखा, और फिर आप 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करते रहे लंबी, ऐसा नहीं। उस समय आपको टू द पॉइंट, परमेश्वर जी आप जो जैसे शुरू करें जैसे ख़त्म करें मैं नहीं कहता, ये कहें परमेश्वर जी हमारी रक्षा करना, हम अपने आप को, गाड़ी को, अपने आप को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, जैसे मैं कहता हूँ हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी आप सफलता देना। उसके बाद गाड़ी में बैठकर आप जैसे मर्जी आप सारे रास्ते प्रार्थना करते जाएं अपने मन में, प्रभु मदद करो मदद करो, उस समय आमीन करें और गाड़ी शुरू करें, ठीक है। सो बंदगी की शुरुआत करनी होती है। कई बार बाहर से कई लोग आए हुए होते हैं, बाहर हम लोग बंदगी के प्रार्थना सभाओं की बात करता हूँ, प्रार्थना सभाओं में आए होते हैं, तो हम लोग कई बार किसी को दे देते हैं टाइम भी, चलो आज की बंदगी की शुरुआत इनके साथ मिलकर करेंगे, तो वो प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, परमेश्वर जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे चुना, आपने मुझे बचाया, मेरी ज़िंदगी में यह था, मैं गलतियां करता था, आपने छुड़ाई, आप अभिषम सिंह जी आपने ऐसा किया, आप अभिषम सिंह आपने लोगों को बचाया, आपने ऐसा किया, और बहुत लंबी चौड़ी इधर उधर की प्रार्थना है। जबकि कहना है कि परमेश्वर जी आप दया करें, अनुग्रह करें कि हम लोग ये आज की प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, हमें आपकी सहायता की जरूरत है, हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें, बस दो को बातें, हे परमेश्वर आज हम इस प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, और आज हमारे बीच में आप चमत्कार करें, आज लोग आशीषित हों, आज लोगों का जीवन बदले, जो वचन प्रचार किया जाए लोगों के हृदय सिद्ध जाएं, ऐसे करके शुरुआत की जो भी प्रार्थना करते हैं, मतलब कि इधर की उधर की नहीं, जिस मकसद के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रार्थना, जो कार्य करना उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। कई बार वचन शुरू करना होता है और हम लोग कई बार नए आदमी को कई बार बोल देते हैं वे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके साथ प्रचार करने से पहले, तो वो शुरू करता है, परमेश्वर जी ऐसा है, ये है, वो है, आपने मुझे खाने के लिए दिया, आपने मुझे पहनने के लिए दिया, और दुनिया भर की बातें करेंगे, और लास्ट में एक लाइन, परमेश्वर जी आज जो वचन प्रचार किया जाए आप इसकी मदद, हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, वचन सुने, लोग आशीष पाएं बाद में। और तो बहुत लंबी चौड़ी 25 मिनट होते हैं सिर्फ प्रचार के लिए, और 12 मिनट वो प्रार्थना पे लगा देते हैं 12 मिनट में। तो हमें सोचना है, एक बार हम पास्टर लोग थे, 80 पास्टर लोग थे चंडीगढ़ में, तो किसी ने कहा, पास्टर ने ही जो लीड कर रहा था, 20 पास्टर के साथ मिलकर हम लोग गीत गाएंगे, तो उसने गीत गाया, आराधना करेंगे, उसने गीत गाया तोबा कर ले, बपतिस्मा ले ले। मुझे बहुत हैरानी आई, बुजुर्ग था लेकिन साइड पर जाके मैंने फिर उसके समझाया, अकेले को, सबके बीच में नहीं डांटा, भी ऐसे नहीं करते, पर सभी पास्टर हैं, 80 के आसपास पास्टर हैं सभी, वहाँ तो सभी बपतिस्मा लिए हुए हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, तोबा किए हुए हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, तो वहाँ ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, तोबा कर ले बपतिस्मा ले ले, वहाँ तो ये हैं बढ़ेंगे साथ मिला के हाथ, सेवकाई में हम तूफान मचा देंगे, प्रचार कर देंगे, ऐसा कोई भी गीत है जो भी
या स्तुति आराधना का जो भी, तो हमें थोड़ा सा समझना है। पॉइंट पर रहें, पॉइंट पर, आपका वचन भी पॉइंट पर हो, समझाना होता कुछ और, आपको परमेश्वर परिवार को आशीष दें तो घूमते किसी और सब्जेक्ट पर होते हैं। तो जिस सब्जेक्ट पे आपको बात करनी है उसी सब्जेक्ट पर ही आप बात कीजिए। वचन से पहले जो प्रार्थना करनी, वचन के लिए प्रार्थना कीजिए, खाने के लिए प्रार्थना करनी तो खाने के ही लिए प्रार्थना कीजिए, बंदगी की शुरुआत है, प्रार्थना सभा की शुरुआत है, उस शुरुआत के लिए ही प्रार्थना कीजिए। तो टू द पॉइंट प्रार्थना कीजिए, किसी बीमार के लिए करनी है टू द पॉइंट प्रार्थना कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बहुत समय है, जैसे मर्जी आप प्रार्थना करते रहें, आराधना करें, स्तुति करें, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जो जिस विषय पे आपको प्रार्थना करनी उस विषय पे प्रार्थना कीजिए, पहले जरूरी ये है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह से आपको आशीष दे, आमीन।